कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो ब्यूटी विद ब्लेसिंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो ऐसे फेस मास्क लेकर आई हूँ जो बिल्कुल घरेलू इंग्रेडिएंट से बने हैं, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। फ्रेंड्स, ये जो बारिश का मौसम है ना, ये जो मानसून है, इसमें हमारी स्किन चिपचिपी होना, ऑयली होना लाजमी है, होगी ही होगी। बट हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना चिपचिपी स्किन के साथ, बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होती है फेस पे। तो आज मैं दो फेस मास्क लेकर आई हूँ जो रामबाण इलाज है चिपचिपी त्वचा का। इस मानसून से जो हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है, उससे बचने का ये एक रामबाण उपाय लेकर आई हूँ मैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर यूज़ करें अपने घर में, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घर में ही मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले मेरी यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेना है हमें एक बाउल, और इसमें एक चम्मच भर के हमें लेनी है मुल्तानी मिट्टी जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर। फिर इसमें मिलानी है हमें हल्दी आधे चम्मच से भी, और उसके बाद फ्रेंड्स हमें मिलाना है इसमें रोज़ वाटर, और इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। मतलब थिक क्या, ज़्यादा ना पतला और ना ज़्यादा मोटा, जो हमारे फेस पे इजीली लग जाए, ठीक है? तो इससे हम गुलाब जल से इसका इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो फ्रेंड्स, ये पेस्ट बन चुका है। अब मैं आपको इसको अपने फेस पर लगाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इसे लगा रही हूँ, ठीक है? इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से आप लगा सकते हैं। जितना अच्छा फेस पैक फिंगर से लगता है ना, वो ब्रश से नहीं लग सकता, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है फिंगर से। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने ये देखिए फेस पैक लगा लिया है, वो सूख भी गया है, ठीक है? मतलब 15 से 20 मिनट आपको रखना है, और उसके बाद इसे हमें सेमी ड्राई करना है, फुल ड्राई नहीं करना है, क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं ज़्यादा ड्राई करने से फेस पैक को। तो आप इसे या तो टिश्यू से हटा लीजिए या आप फेस को धो लीजिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैंने फेस को वॉश कर लिया है और मतलब बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं फील हो रही है, बहुत अच्छी फील हो रही है मुझे स्किन अपनी, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है मेरे फेस पे। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे दूसरा फेस पैक रेडी। ले लिया है मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी के बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच शहद हमें इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, इसमें डालना है गुलाब जल, जिससे ये हमारा एक थिक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट ऐसा बनाएं जो इजीली आपके फेस पे लग जाए और अच्छे से फिर वापस सूख भी जाए, ड्राई भी हो जाए। तो गुलाब जल से इसे गीला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड वाला फेस मास्क है जिसको लगाने से आपके स्किन इतनी मतलब ऐसी हो जाएगी ना, आपको बिल्कुल भी चिपचिपी एक नहीं फील होगी, एक ऐसी स्किन फील होगी बहुत ही लाइट लाइट, बिल्कुल ऑयल जो होगा एक्सेस वो सब हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फेस मास्क लग चुका है पूरे फेस पे। तो फ्रेंड्स, इसको हमें 20 मिनट, इस फेस मास्क को भी हमें 20 मिनट रखना है, उसके बाद हमें अपना फेस वॉश कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है स्किन पे, बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।